बजट में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा घोषित इस सतारा सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS पाठ्यक्रम 100 सीटों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मंजूरी दे दी। MBBS कोर्स के लिए 100 सीटों की मंजूरी के साथ अब अगले साल से सतारा मेडिकल कॉलेज शुरू होने का रास्ता खुला है। बजट में घोषणा के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नियमित बैठकें की और पूरे साल इस कॉलेज को शुरू करने का प्रयास किया। उप मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय को स्थान उपलब्ध कराने में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए अगले वर्ष से इस चिकित्सा महाविद्यालय को प्रारंभ करने का मार्ग प्रशस्त किया। जिला संरक्षक मंत्री बाला साहेब पाटिल ने इसके लिए उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने हाल ही में सतारा जिला अस्पताल और कॉलेज के डीन को एक पत्र भेजकर सूचित किया है कि वह सतारा मेडिकल कॉलेज के लिए MBBS पाठ्यक्रम के लिए 100 सीटों को मंजूरी दे रहा है। जिले के संरक्षक मंत्री बाला साहेब पाटिल ने कहा कि इससे सतारा जिले में स्वास्थ्य सेवा और अधिक कुशल होगी और MBBS की 100 सीटें भी सृजित होंगी, जिससे राज्य के उन छात्रों को भी फायदा होगा जो मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश चाहते हैं। वर्ष के दौरान सतारा में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी देते हुए संरक्षक मंत्री बाला साहेब पाटिल ने कहा कि जल संसाधन विभाग के कृष्णनगर क्षेत्र में 64 करोड़ भूमि सतारा के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के लिए तथा 70 एकड़ शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय के लिए आवंटित की जाए। गांव खावली में जमीन उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में विधान परिषद अध्यक्षों की हाल में विशेष बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने आश्वासन दिया है कि मेडिकल कॉलेज के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि यह सतारा के लोगों की जरूरत है। उप मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार महाविद्यालय के कार्य को गति मिली है कि भवन का निर्माण अगले 100 वर्षों के दृष्टि से कलात्मक गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जाए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ में रेड कलर के बेल आइकन को दबाए, जिससे कि रोजाना देश विदेश की खबरें आप तक पहले पहुंच सके। साथ में आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।